नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हीं कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है लोकतंत्र के पर्व की होती है। जिस तरीके से हम जानते हैं लोकतंत्र का जो चुनावी पर्व है वो अपने आप में काफ़ी समय से चल रहा है, और इनके द्वारा भी जो मेहनत है वो आप सभी देख रहे होंगे, क्योंकि डोर टू डोर जो पर्चियाँ होती हैं उनको बांटने का कार्य किया जाता है। किस तरीके से आपका ये कार्य रहा, क्या कुछ इसका अनुभव रहा आपका, अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम सोन तारा है, पार्ट नंबर 420 की मैं BLO हूँ जी। और तो किस तरीके का अनुभव आपका रहा? अनुभव सही रहा, यहाँ पे सभी लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं जी। सीनियर सिटीजन हो या नवयुवा, वो भी सब कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ जी। कई बार जब आप पर्चियाँ बांटने के लिए निकलती होंगी तो कई प्रकार की समस्याएं भी आती होंगी, क्या आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, कुछ दिक्कतें? हाँ, जैसे सर्विस वाले हैं वो अपना मिलते नहीं हैं कभी कभी, या अपना जो सीनियर सिटीजन है वो कहीं गए होते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे अपने रिलेशन में, तो थोड़ा सा ये समस्या आती है। वैसे अदरवाइज़ तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, पर्चियाँ अपना बट गई हैं और अपना अच्छे से अपना बांट दी गई हैं। नहीं, आप काफ़ी सपोर्ट है हमें लोग जी। और दूसरा, आप जो कह रही थी वो बताते हुए बताइए कि अभी जो सुबह से आप देख रही हैं जिस तरीके से मतदाता आ रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा वरिष्ठ जन या युवा या महिलाएँ, क्या कुछ कहना? नहीं देखो, यहाँ पर सभी आ रहे हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, और काफ़ी मतलब लोग इंटरेस्टेड भी हैं। अच्छा, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो आपको भी मतलब लग रहा है कि हाँ मज़ा, हम भी इस पर्व में कहीं ना कहीं अपनी आहुति जो है वो डाल। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ पे काम किया था, हमने सबको जैसे डोर टू डोर गए थे, उस तरीके से हमें यहाँ पे ना काफ़ी लोगों को हमने देखा है, आए हैं, अपना प्रॉपर सहयोग दे रहे हैं जी। आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहेंगी इस अवसर पर, सुबह से आप देख रही हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? काफ़ी लोग आ रहे हैं और लोगों में उत्साह तो दिख रहा है, अभी आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे सब वोट डाल के काफ़ी खुश हैं, आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सीनियर सिटीजन्स भी आ रहे हैं मैंने देखा, जिनकी उम्र 70-80 वर्ष भी है, तो जी क्या कह रहे हैं आप जी? जैसे हमने लोगों को यहाँ पे बताया है और बोला है उनसे, तो उन लोगों ने ना काफ़ी सहयोग किया, वो आ भी रहे हैं ज़्यादातर, जैसे सीनियर सिटीजन जो बिल्कुल आने की कंडीशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्हील चेयर के अकॉर्डिंग जी। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो उनको घर से लाते हैं, व्हील चेयर जिसके थ्रू वो अंदर जाते हैं और अपनी वोटिंग करते हैं जी। हालांकि अभी भी काफ़ी मतदाता रह गए हैं, हालांकि शाम तक का समय है, लेकिन मौसम अब तो अच्छा होने लगा है मुझे जहां तक लग रहा है, जैसा मौसम भगवान भी कृपा कर रहे हैं इस मतदान के पर्व को और अधिक अच्छा बना रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी एज अ BLO यहाँ? हम तो यही कहेंगे सभी मतदाता आएँ, अपना वोटिंग करें और नए सरकार का निर्माण करें जी। बिल्कुल, और इसी पर्व के द्वारा आप सरकार का निर्माण करेंगे। ये 10 न्यूज़ भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, राष्ट्र हित में, देश हित में और सरकार निर्माण में अपनी भूमिका जरूर निभाएं। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।